नमस्कार भाई साहब। नमस्कार किशोर जी, आप कन्हैयालाल जी नमस्कार। किशोर जी आप बताइए, पूरी क्रियान्वित में टीम में आप रहे हैं। जी भाई साहब आपका कैमरा चालू करें। किशोर जी अब आप बताइए, आप इतने दिन से लगातार घूम रहे हैं और दीपक शर्मा जी आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल ली जाएगी। अभी 6 सीट चल रही है, इन 6 सीट के बाद में जैसे भी कोई सीट हटेगी जस्ट आपकी रिक्वेस्ट ली जाएगी। सुखा कवर में विद्यासागर जी, शर्मा मैं देख पा रहा हूँ, हरिराम जी, जागराम जी, बहुत सारी रिक्वेस्ट है। मीटिंग लंबी चलाएंगे भले ये सब जी, गुजर अजय फागना जी, सभी को लेंगे, बिल्कुल सभी साथियों को मुझे याद है। किशोर जी आप बताइए क्या क्या कार्यवाही हुई, क्योंकि आप बारीकी से रहे हैं, रामजीत पटेल हमेशा बताता रहा है, लेकिन किशोर जी के मुखारविंद से लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप सारी बातें सुन रहा था आपकी। बिल्कुल जो भी आपने बताई थी वो सब सच है और आपके सानिध्य में रहना मैम आपको लेंगे बिल्कुल। किशोर जी ने 50 रिक्वेस्ट भेज रखी है, इन्होंने मेरे से शिकायत की, वही साथियों बता दूं मैं, इनका बार बार फोन आया, इधर हुक्माराम जाखड़ जी की शिकायत आ रही है फोन करके, लेकिन हुक्माराम जी मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मिलेंगे आपको लूंगा। किशोर जी ने बोला यार भाई साहब आप ले ही नहीं रहे, भाई साहब मेरे हाथ में नहीं, मुझे रिक्वेस्ट दिखेगी तो मैं जरूर लूंगा, और अब बड़ी मुश्किल से इनकी दिखी है आधा घंटे में जाके। किशोर जी अब आप आगे जारी रखें। बिल्कुल भाई साहब, जैसा कि पटेल साहब ने बताई थी आप सभी को, जो भी बातें बताई है वो बिल्कुल सही है। 3 दिन में खुद पटेल साथ में रहा हूँ, 2 दिन पटेल साहब मेरे साथ रहे वहां पर सचिवालय में, मानदेय को लेकर की भी जो समस्या आ रही थी उसके लिए भी HR पवार साहब से कॉन्टेक्ट किया था, और जल्दी शायद पूरे समस्त जिलों के अंदर आदेश निकलने जा रहा है जल्दी। उसके अलावा जो भी आप लोगों के एडॉप्शन की क्रिया चल रही है वो भी प्रोसेस में आ चुकी है, बीच में अटकी जरूर थी लेकिन प्रोसेस में आ गई है, और ये सब पटेल साहब की देन है, ठीक है। इसके लिए मैं खुद पटेल साहब के साथ ही था, और बाकी तो सारी बातें आपको बताई जा चुकी है, बस कैसे करके अडॉप्ट हो जाए। जो भी समस्या आ रही है समस्याओं के समाधान भी होंगे, ये भी बात सही है। और जैसे पटेल साहब एक चीज और सुनने में आई थी मेरे कि मदरसा वालों के यूनियन में जो है ना, उन्होंने कहा जैसे उनको 2500 के करीब अपात्र बताए थे, ठीक है। हेलो जी, प्रपोजल भेजा, प्रपोजल उसमें ये कहा था अगर आप लोगों की चिंता दे दी जाती है तो सभी पात्र हो जाएंगे, तो यहाँ पर CM साहब सभी को लेने का काम कर रहे हैं, किसी को हटाने का काम नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि पंचायत कार्यरत जो भी है उनके ऊपर किसी के ऊपर दिक्कत आएगी, सब आएंगे, सब अडॉप्ट किए जाएंगे जहां तक मेरा ख्याल। और ये बात मैं अन्य संगठनों से भी कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, वो भी यही बात बता रहे हैं कि कोई रहेगा नहीं, सबके प्रति सरकार का रवैया सबको लेगी, वो अपने तरीका है सरकार का, किस तरह से ले किस तरह से भी ले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।